डेफिनेटली अगर आप मीडिया को इस्तेमाल करोगे और कहीं आपको पब्लिसिटी मिल रही है, यू हैव टू गिव द मीडिया दैट मच स्पेस। इमरान हाशमी तैयार हैं अपनी अपकमिंग फिल्म राजा नटवरलाल के फर्स्ट लुक लॉन्च के लिए, जिसका ट्रेलर अटैच होने वाला है सलमान खान की ईद रिलीज किक के साथ। लेकिन इसके बावजूद रिसेंटली मीडिया फोटोग्राफर्स और सलमान खान के बीच हुए शोडाउन के बाद सलमान को बॉयकॉट करने की खबर पर इमरान ने काफी स्पॉटिंगली सेलेब्स की लाइफ में मीडिया की इम्पोर्टेंस को एक्सेप्ट किया। एंड दिस इज व्हाट इमरान हैड टू से। मीडिया और आर्टिस्ट के बीच में एक अलग रिलेशन होता है, लेकिन कई बार आर्टिस्ट जो होता है बच्चों भी उतर आता है। सलमान खान की बॉडीगार्ड्स ने उन्होंने भी ऐसे हैंडल किया था मीडिया को, जी। उसके बाद सलमान को बाइकॉट किया था। व्हाट शॉट थिंक अबाउट दैट? आप क्या कहना चाहेंगे एज एन आर्टिस्ट? सलमान बहुत एक्टर्स के साथ ये इशू आता है, अभी श्रद्धा कपूर के साथ। जी जी, आई डोंट नो अबाउट दैट इन पर्टिकुलर, आई हर्ड अबाउट सलमान रिसेंटली। देखिए, मैं उनकी तरफ से नहीं बोल सकता हूँ, आई थिंक हर शख्स उनकी जगह सही होता है, उनका भी एक पर्सपेक्टिव है, शायद वो गुस्से हो गए थे, ही हैज़ हिज ओन पर्सपेक्टिव टू इट। बस यही चाहूँगा कि एक मीडिया उनके बीच सुलह हो जाए, और यू नो इट्स अ गिव एंड टेक रिलेशनशिप आई थिंक मीडिया और सेलिब्रिटीज़ का। सेलिब्रिटीज़ के बगैर आप छापोगे क्या, और आपके बगैर हम छपेंगे कैसे? तो आई थिंक एक गिव एंड टेक रिलेशनशिप है, दोनों की दुकानें साथ साथ चलनी चाहिए, तो बेहतर ये होगा कि वी Somewhere learn to live in a certain synergy and peace and calm. Definitely, अगर आप मीडिया को इस्तेमाल करोगे और कहीं आपको पब्लिसिटी मिल रही है, you have to give the media that much space. You have to, and even मेरे फिल्म के प्रमोशन के लिए आई मेक श्योर दैट ऑलवेज जो मीडिया इंटरेक्शन होते हैं दे आर एज गुड एंड एज यू नो जिस काइंड ऑफ गो बाय विद सर्टन आई थिंक विद पीस एंड काम एंड यू नो आर वेरी सिविल in their conduct. चलिए, वी होप कि इमरान की इस बात को सलमान खान भी समझ पाए और अपने बॉडी गार्ड के जरिए मीडिया फोटोग्राफर से धक्का मुक्की करवाना बंद कर दें। ताकि उनकी अपकमिंग ईद रिलीज को थोड़ी बहुत पब्लिसिटी मिल जाए। जिसको जाना है वो चलेगा।